सुधा अपनी सास कुंती और सात ननदों उमा, रीमा, अनीता, जिया, बीना, लीला और सुनीता के साथ रहती थी। सभी के बीच बहुत प्यार था, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होंगे वहाँ आवाज तो आएगी। बस यही हाल है सुधा के ससुराल का। तो आइए देखते हैं आज कौन सा बर्तन आवाज कर रहा है। बेचारी सुधा आज किसे समझा रही होगी। बस करो सुनीता, और कितना बोलोगी, बड़ी बहन है तुम्हारी, ऐसे कौन अपनी बड़ी बहन से बात करता है, जरा भी तमीज नहीं है क्या? नहीं भाभी, आप बीच में मत बोलिए, वरना ये बड़ी होने का पूरा फायदा उठा लेंगी और मुझे गलत ठहरा कर खुद पतली गली से निकल जाएंगी। ऐसा क्या कर दिया बनीता ने? खैर, तुम सबसे छोटी हो, अगर गलत भी हो तो माफ़ी मांगकर बात खत्म कर लोगी, लेकिन वो बड़ी है। बड़ी है तो क्या हुआ, देखो इसे खा खा कर कितनी मोटी भी हो गई है, और ये मोटी मेरा कपड़ा पहन कर फाड़ देगी। अब आप बताओ कौन गलत है और कौन सही। गलत तो अनीता है, लेकिन सुनीता तुम भी कभी अपने अंदर बड़प्पन दिखाओ, अपने से बड़ों को माफ करना सीखो। चलो गले मिलो और बात को यहीं खत्म करो, और अनीता दोबारा सुनीता की ड्रेस मत खराब करना, ओके? आपके समझाने से देखो कितने आराम से समझ गई, और जब मैंने कहा तो सीधे मेरे बाल नोचने लग गई। भला ही नहीं करना चाहिए किसी का, और ना अच्छा बोलना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पगली, बस समझाने का अपना अपना तरीका होता है। चलो अब तुम जाओ और मुझे भी अपना काम करने दो। सुधा अपनी छोटी ननद को समझा कर उसे पढ़ने के लिए भेज देती है। ऐसे ही कभी छोटी ननद तो कभी बड़ी ननद का झगड़ा खत्म करते हुए दिन कट जाते हैं, और कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन तो हद हो गई, आज तो उमा की लड़ाई उसकी पड़ोसन विमला से हो जाती है, और हमेशा की तरह सुधा वहाँ भी उसे समझाने लगती है। क्या बात है उमा दीदी, आप ऐसे क्यों लड़ रही हो, आप सबसे बड़ी हो, अगर आप ही ऐसा करोगी तो आपकी छोटी बहनें क्या सीखेंगी। तुम्हें पता नहीं आज इस विमला ने इतनी बड़ी बात कह दी हमारे घर के खिलाफ, अगर तुमने सुन लिया होता तो तुम्हें भी गुस्सा आएगा। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मुझे नहीं सुनना ऐसी बात जिसे सुनकर मुझे गुस्सा आ जाए और मैं इनसे झगड़ा करना शुरू कर दूं। ना बाबा ना। भाभी सुन लो, इन्होंने आपके बारे में क्या कहा है, बोलती है कि आप नागिन हो, तभी पूरे घर में जहर फैला कर रख दिया है। सच्ची ऐसा कहा इन्होंने, मुझे सच में अपनी इतनी अच्छी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, किसी ने मेरी आज तक सच्ची तारीफ की है। पागल हो गई हो लगता है, किसी ने गलत बोला फिर भी हंसे जा रही हो, पता नहीं क्या होगा इनका। सुनीता, अनीता, जिया, बीना, लीला, रीमा, जल्दी आओ, देखो भाभी पागल हो गई, इन्हें अंदर लेकर चलो। क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रही हैं भाभी, भांग भूंग खा लिया है क्या जो ऐसे हंसे जा रही हो। अरे नहीं, विमला चाची ने भाभी को नागिन कहा, और जब मैंने उनको बताया तो वो जोर जोर से हंसने लगी, और बोलती है इतनी सच्ची तारीफ आज पहली बार किसी ने की है। सही बात है भाभी, नागिन है और हम उनके जहर, जो पूरे घर में तो क्या पूरे गांव में फैले हुए हैं। सुनीता जैसे ही बात करती है सुधा गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारकर अंदर चली जाती है। कई दिनों तक सुनीता से बात नहीं करती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, और एक दिन अनीता की लड़ाई बीना से हो जाती है, लेकिन सुधा कुछ नहीं कहती। तभी उमा सुधा से कहती है, क्या हुआ भाभी, आप उस दिन के बाद से हमारे साथ बात ही नहीं करती हो, घर में अगर झगड़े हो जाएं तो आप सुलझाने नहीं आती हो, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, बस यूं ही सोच रही हूँ, मुझे लोगों ने नागिन कहा, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन सुनीता ने खुद को जहर बताया और ये बात मुझे पसंद नहीं आई। अरे भाभी आप भी कभी कभी बच्चों वाली हरकतें करती हो, सुनीता छोटी है ना इसीलिए कुछ भी बोल जाती है, लेकिन आप तो बड़ी हो ना, आपको तो उसे समझाना चाहिए था ना कि ऐसे बिना वजह मुंह बनाकर बैठ जाना चाहिए। नहीं उमा दीदी, मुंह बनाकर इसीलिए बैठी हूँ क्योंकि मैंने सुनीता को थप्पड़ मारा था, मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। सुनीता छिपकर सारी बातें सुन रही थी। जैसे ही सुधा अपनी बात खत्म करती है, सुनीता सुधा को गले लगाकर कहती है, भाभी वो मेरी गलती थी, इसलिए आपका हाथ उठा, लेकिन मारने के लिए नहीं, मुझे सिखाने के लिए। अब हंस भी दो, कितने दिनों से अपना खूबसूरत सा चेहरा सड़े हुए टमाटर की तरह बना रखा है। अरे बापरे, भाभी का मुँह महंगा हो गया टमाटर के साथ, आपके फेस को जोड़ा जा रहा है, क्या बात है भाभी, आप तो झट से महंगी हो गई। हाँ महंगी बनाने वाली यही थी जिसकी वजह से मैं कितने दिनों तक ट्रोमा में थी, फाइनली बैक टू नॉर्मल लाइफ। हाँ अब वही हंगामा, आपका हम लोगों को समझाना, मेरा लड़ना
और लड़कर रोते रोते सो जाना। सुधा अपनी ननदों के साथ बहनों की तरह रहती थी। तभी तो सुधा के उदास होते ही सारा घर सोना हो गया था। लड़ते झगड़ते ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक शाम जब कुंती अपने घर में बैठी चाय की चुस्की ले रही थी, तभी उसके घर कमला आती है और उससे कहती है, कुंती जी ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन आपको बता दूं, आपकी मंजली बेटी अनीता, उसका चक्कर राजू नाम के लड़के से चल रहा है। देखो क्या जमाना आ गया है, यहाँ बड़ी बहन की शादी नहीं हो रही और छोटी बहन का चक्कर चल रहा है। राम राम। ऐसा नहीं कर सकती मेरी बेटी, मुझे पूरा यकीन है उस पर। भले वो हर किसी से झगड़ा करती हो, लेकिन ऐसी हरकतें कभी नहीं करती। इतना ज्यादा भी भरोसा नहीं करना चाहिए, लड़कियां है, ज्यादा घमंड ठीक नहीं होता, बेटियों पे तो बिल्कुल नहीं। कब ना कटवा कर चली जाए, क्या पता। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी बेटियों में घमंड करती हूँ, तो सोचिए मुझे आपके सोचने से कोई दिक्कत नहीं है। पछताओगी आप, देख लेना, ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है बहन जी, हर चीज की एक सीमा होती है। आपकी बेटियों की वजह से कहीं हमारा मोहल्ला बदनाम ना हो जाए। हाँ ठीक है, हम अपना देख लेंगे, और हमारी बेटी है, आपको किसने इतना हक दिया है मेरी बेटियों के बारे में इतना गलत बोलने के लिए। कुंती को कमला के आगे हाथ जोड़कर बात करता हुआ देख सुधा देख लेती है और कुंती के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कहती है, माँ जी ये क्या कर रही हैं आप, इनके सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़ी है, इन्होंने क्या कहा आपको बताइए। ये क्या कहेंगे, मैं खुद बताती हूँ, इनकी मंजली बेटी अनीता क्या गुल खिला रही है। पता है तुम्हारी ननद अनीता का चक्कर उस मवाली राजू के साथ चल रहा है, संभाल लो उसे वरना बदनाम हो जाएगा ये घर। आपको बहुत पता है किसका चक्कर किसके साथ है, किसके घर में क्या बनना है। आपने कभी अपने घर में झांक कर देखा है आपका पति रोज लेट क्यों घर आता है। वो उनका ऑफिस दूर है इसलिए आने को देर हो जाती है, मेरे पति बहुत ही सीधे आदमी है, उन पर इल्जाम मत लगाओ। हाँ बिल्कुल, वैसे ही मेरी ननद भी सीधी सादी है, उस पर गलत इल्जाम मत लगाओ। पहले अपने घर पर लगी हुई आग को बुझाओ, फिर अगली बार हमारे घर में आग लगाने की कोशिश करना। कुंती बहन आपकी बहू कुछ ज्यादा नहीं बोलती, देखो तो कैसे मुंह खोले जा रही है और बातों के ताने मारे जा रही है, मैं चलती हूँ। कमला वहाँ से अपना मुंह बनाती हुई चली जाती है, लेकिन सुधा अब कुछ ज्यादा ही परेशान थी और अपनी ननदों के बारे में सोचती है। उनके लिए नाश्ता लेकर जाती है और अपनी बड़ी ननद से बात करती है। उमा दीदी मैं सोच रही हूँ अनीता दीदी के भी हाथ अब पीले करवा ही दूँ, आप क्या बोलते हो। अरे वाह बहुत अच्छा सोचा है तुमने भी, मैं भी चाहती हूँ कि उसकी और बाकी की बहनों की शादी हो जाए, अगर उनकी शादी के लिए मुझे अपनी फंड तोड़नी पड़े तो भी चलेगा। उमा दीदी मैं अनीता के साथ साथ आपकी भी शादी करवाना चाहती हूँ, प्लीज मना मत कीजिए, क्योंकि बहुत उठा ली आपने जिम्मेदारी, अब हमारी बारी है। देखो मना मत करना, माँ जी ने भी हाँ कर दिया है। सुधा कैसे भी करके अपनी बड़ी ननद उमा को शादी के लिए मना लेती है और कुछ समय बाद उमा और अनीता की शादी एक अच्छे और भले घर में हो जाती है। सभी खुश थे और कुछ लोगों के मुंह बंद हो गए जो सुधा की ननदों के खिलाफ गलत बोल रहे थे।